अभिनेता अनुपम खेर ने कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले पर अपनी निराशा साझा की। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस मामले में न्याय की मांग की है। उन्होंने बताया कि कैसे पीड़िता परिवार की इकलौती बेटी थी और देश उसकी रक्षा करने में विफल रहा। अभिनेता ने बलात्कारी के लिए सार्वजनिक मृत्यु दंड की मांग की और कहा कि इसकी सजा सिर्फ मौत है और कोई सजा नहीं है। अभिनेता ने लिखा कि आवाज उठाइए, हर हालत में आवाज उठाइए। कोलकाता की डॉक्टर बच्ची के साथ जो घिनौना, रूह को हिला देने वाला और मानवता को सदा के लिए शर्मिंदा करने वाला अपराध हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है, तब से सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। रोज सुबह उठता हूँ और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूँ शब्द, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूँ और कुछ तो लोगों तक पहुँचाऊँ। डिटेल सुनी है मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों ने, राक्षसों से भी बढ़कर है वो,